हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मोड स्टफ की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और मोड। तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने माइकल के हाउस पे एक हेलीपैड इंस्टॉल किया था। तो आज हम लोग सेम उसी तरीके से, या फिर बोले तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक हेलीपैड इंस्टॉल करेंगे फ्रैंकलिन के हाउस पे, जो फ्रैंकलिन का विनवुड हिल्स पे जो नए वाला मेंशन है वहां पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे हेलीपैड को, वो भी परमानेंटली। वो करेंगे हम लोग कैसे, तो उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लो, ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग रह सके हमारी वीडियोस से हमेशा अप टू डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने मोड स्टफ के फोल्डर में, और यहाँ पे मेरे पास है ये हेलीपैड का जिप फाइल। तो मैं इस मोड का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है तो आप वीडियो देख सकते हो, फिर भी कोई एरर आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। तो अब अपना इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो विनरेयर, और इसको मैं यहां से कट करूंगा, डॉट वाई में को मैं करूंगा यहां से एक्सट्रैक्ट, डेस्कटॉप मोड स्टफ और मेंशंस, और यहां पे मैं करूंगा ओके। तो ये बोल रहा है कि वहां पे पहले से ये फाइल है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और एक बार देख लेता हूँ वहां पे वो फाइल है या नहीं है। सो हाँ, ये है यहाँ पे फाइल। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी ओपन आईवी की, और ओपन आईवी के इंस्टॉलेशन की वीडियो मेरे चैनल पे है, आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लेना। उसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने दिखा रखा है और सिखा रखा है कि कैसे आप ओपन आईवी को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए अब अपना ओपन आईवी ओपन कर लेते हैं। तो हमारा ओपन आईवी ओपन हो चुका है। अब हमें सिंपली अपने मोड्स के फोल्डर में चले जाना है और पहले एडिट मोड को ऑन कर लें, यस। इसके बाद अपडेट x64 DLC पैक्स, और यहाँ पे है कस्टम मैप। तो अगर आप लोगों ने कस्टम मैप इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो ये मोड इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा अपने GTA 5 की मोडिंग में, या फिर अपने GTA 5 में जगह जगह काम आएगा आपको। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ DLC.RPF में, और इसके बाद x64 लेवल, GTA 5 सिटीज मैप और कस्टम मैप, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे ऐड, और एक बार बैक चले जाएंगे हम लोग। उस लोकेशन को आपने डिटेक्ट कर लेना यहाँ से जहां पे आपने अपना मोड रखा है। तो यहाँ पे हमारी ये वाइप ऐप की फाइल है, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने GTA 5 में, और वहां पे मैं दिखाता हूँ कि ये जो हेलीपैड है वो फ्रैंकलिन के हाउस पे कहाँ पे आया है, आगे पीछे इधर उधर कहाँ पे आया। तो फाइनली गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने GTA 5 में, और अब हम लोग स्विच करते हैं फ्रैंकलिन पे। तो हम लोग सीधा फ्रैंकलिन के घर पे ही टेलीपोर्ट हो रखे हैं, यहीं पे स्विच हुए हैं। फ्रैंकलिन यहीं पे अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है। तो अभी हम बाहर चल के दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये यहां से है गेट। तो ये है फ्रैंकलिन का पर्सनल हेलीपैड, और यहाँ पे आप लोग अपना कोई भी एक व्हीकल स्पॉन करके और सेव करके रख सकते हो। व्हीकल तो क्या यार, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, हेलीपैड पे आप लोग कोई प्लेन तो वो करोगे नहीं स्पॉन, और इसके अलावा कोई कार भी स्पॉन नहीं करोगे। तो सिंपल सी चीज है, हेलीपैड है तो हेलीपैड पे आप हेलीकॉप्टर ही लैंड करोगे, वही स्पॉन करके रखोगे। तो मेरे को लगता है हमें करना चाहिए कुछ प्राइवेट और लग्जरी टाइप। तो इसके लिए मेरे को लगता क्या है, मैं देखता हूँ एक मिनट। तो यही मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगा। तो जो ये
हेलीकॉप्टर हम लोगों ने यहाँ पे स्पॉन किया है, तो इसको सेव कैसे करें? तो इसको सेव करने के लिए मैं F10 को प्रेस करूंगा और ये जो व्हीकल है वो सेव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो तो पिछली कुछ वीडियोस से पहले, पिछले कुछ दिनों में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू लॉक अ व्हीकल ऑटोमेटिकली, कि आपका व्हीकल अनलॉक और अनलॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसका जो मोड है वो मैंने दे रखी है उसकी वीडियो, आपको उस मोड का लिंक उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आप लोग जाके देख लेना कि हाउ टू लॉक और अनलॉक कार्स ऑटोमेटिकली, बहुत ही बढ़िया मोड है। बस आपको सिर्फ ये करना है कि पहले व्हीकल को सेव करना है अपने मोड में, और उसके बाद अपने गेम को सेव कर लेना है, और उसके बाद आप कितने भी बार आप अपने गेम को रीओपन करो, आपके जो व्हीकल जो आप लोगों ने सेव किए होंगे वो वहीं पे मिलेंगे जहां पे आपने छोड़े होंगे। लेकिन उसमें आपको एक छोटी सी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा या ट्रिक का यूज करना पड़ेगा कि आपको पॉइंट लोकेशन लगानी होगी वहां पे, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लोकेशन है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ऐसी लोकेशन आपको वहां पे लगानी पड़ेगी जिससे आप उस लोकेशन पे जा सको, और लोकेशन का नंबर आपको ध्यान रखना होगा कि किस नंबर की लोकेशन आप लोगों ने लगाई है। इसमें आप चार लोकेशंस लगाते हो तो उसमें ध्यान रखना है कि कौन से नंबर पे आप लोगों ने लोकेशन किस व्हीकल की लगा रखी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंडियन मोड के साथ या फिर एक इंडियन व्हीकल के मोड के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।